अस्सलाम वालेकुम, बिल्लो व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। हमने जो है आज बना रहे हैं टिक्का। ये जो है लेग पीस के साथ, ये लेग पीस के साथ जो पूरा पीस होता है ये है। और ये देखें, ये हमने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है इसको मैरिनेट किया है। मैरिनेट करते हुए जो है ना, हमने इस पर लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया है, नमक मिर्च जो आम जो मसाले होते हैं नमक लगाया है साथ में, और कोई हमने बाज़ार का मसाला नहीं डाला, वैसे ही जो है घर में ही जो है ना हमने इसको मैरिनेट किया है। अब 2 घंटे हो गए इसको मैरिनेशन किए हुए, ठीक है, मैरिनेट किए हुए हो गए। अभी जो है हम इसको बनाएंगे जैसे, तो अभी 1 घंटा और मैं इसको रखूँगी ताकि इसमें जो है ना मसाला जो है लग जाए, रस बस जाए। तो जगह नहीं थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा रख दिया था लगा कर मसाला, जो अभी उसको हम जैसे ही बनाएंगे मैं इसको आपको फिर दिखाऊंगी कि इसको हम किस तरह बनाएंगे, ठीक है। और आप लोगों ने बिल्लो व्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और बिल्कुल इस लेग पीस की तरह अच्छा सा सब्सक्राइब करना है आप सबने जी। ये देखिए, ये जो है टिक्के जो है 2 में बन रहे हैं क्योंकि ज़्यादा हैं, तो इस वजह से गलाने के लिए इसमें जो है मैंने हल्का सा पानी तो खैर नहीं डाला था, मैंने बस दही लगाया था, मैंने दही में मैरिनेट किया हुआ था, तो उसमें ही बस ये दही का ही हल्का सा जो बनाते हैं ताकि इसमें जो है ये गल जाए। देखें ये है, और ये फाइनल जो अभी बन रहे हैं तकरीबन बन चुके हैं, बस अब हम इसको लगाएंगे, कोयले का दम लगाएंगे, ठीक है। और अभी यहाँ पर जो है हरी मिर्च है, हरी मिर्च को भी डाला जा रहा है, हाँ है। इसके अंदर जो है मैंने बस चाट मसाला डाला है, सिंपल कुछ और नहीं डाला। और ये तली जाएंगी, मुंह में पानी आ रहा है, खैर आप लोगों के भी आ रहा होगा मुंह में पानी, जिस हिसाब से मैंने इसमें सिर्फ चाट मसाला डाला है, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग भी खाइएगा किसी दिन। और ये दही की बस ये चटनी बनानी है, और ये इसमें मैंने धनिया लिया है और लहसुन लिया है, नमक डालूँगी साथ में, लहसुन भी लिया है बीच में, अंदर ही कहीं दब गया है कहीं लहसुन, ये रहा, इसमें से लहसुन भी बीच में डालूँगी और इसकी हम बनाएंगे चटनी। और ये है नींबू जो कि ऊपर डालकर खाएंगे हम। ये देखिएगा, ये हमारे कोयले कड़क रहे हैं और साथ में हमारी हरी मिर्च जो मैंने आपको दिखाई थी वो फ्राई, मतलब भी हम करें इसको, करें तो हमेशा ध्यान से क्योंकि ये इसमें पटाखे भी बने, और इसको हमेशा कच्ची रखें ताकि मज़ा आता है कच्ची ना, जब इसमें टेस्ट आता है। और ये देखिएगा, अब हम इसको फ्लेम बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मिर्चे तो फ्राई हो रही हैं हाथ के हाथ। तो ये है हमारा फाइनल जो टिक्का है, इसमें हम रखेंगे 1 रोटी का टुकड़ा और इस पर हम लगाएंगे इसका दम ताकि धुआँ जो है इसमें टेस्ट आ जाए धुएँ का भी। और इसको हमने जल्दी से करके इसको बंद कर देना ताकि इसमें इसका जल्दी से बंद कर देंगे ताकि इसके अंदर धुएँ का टेस्ट भी आ जाए। और हमारी ये मिर्चियाँ फ्राई हो गई हैं आपके सामने, ये देखें बिलो व्लॉग में। आपका ये है हमारी इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है, तो इसी तरीके से आप लोग बनाएं कभी, बहुत मज़ा आएगा, खाएं एंजॉय करें घर में, रेस्टोरेंट का मज़ा आएगा घर में इंशाल्लाह। और आप लोगों ने बिलो व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये देखिएगा, ये है फाइनल लुक, ये देखिएगा।